हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल की मांग क्यों उठ रही है? आइए जानते हैं। हाल ही में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन का रिजल्ट आया। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 213 सीट्स के साथ जीत दर्ज की और बीजेपी को केवल 77 सीट के साथ हार का सामना करना पड़ा। रिजल्ट के तुरंत बाद ही टीएमसी समर्थकों ने दंगे शुरू कर दिए और बीजेपी वर्कर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। इकोनॉमिक्स टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार अब तक 14 बीजेपी वर्कर्स की डेथ हो चुकी है। इलेक्शन के बाद विनिंग पार्टी का ऐसा रवैया विदेशों में हमारे देश की इमेज को ख़राब करता है। विनिंग पार्टी का ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। जनता ने आपको मैंडेट देकर जिताया है, आपको संयम बरतनी चाहिए। बीजेपी वर्कर्स ने ऑल इंडिया लेवल पर प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ से मुलाकात करके मामले को शांत करने की सिफारिश की है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसीलिए बीजेपी समर्थकों ने स्टेट में इमरजेंसी लगाने की सिफारिश की है, जिससे स्टेट की पूरी पावर प्रेसिडेंट के पास चली जाती है और सीएम और गवर्नर का पावर निष्क्रिय हो जाता है। आइए थोड़ा इमरजेंसी के बारे में जान लेते हैं। हमारे देश के संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी लगाने का प्रावधान है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में उल्लेखित है, ये इमरजेंसी ऑल इंडिया लेवल पर लगाई जाती है। यह तब लगता है जब किसी देश से युद्ध जैसी स्थिति बन रही हो, या पूरे देश में कोई बड़ा आंदोलन चल रहा हो, या फिर देश पर किसी बाह्य आक्रमण की आशंका हो, तब प्रेसिडेंट कैबिनेट की सलाह पर, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर स्वयं कर रहे हों, नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। दूसरा है स्टेट इमरजेंसी, जो आर्टिकल 356 में उल्लेखित है। यह इमरजेंसी तब लगती है जब कोई स्टेट भारत के संविधान में बताए गए नियमों का उल्लंघन करता है, तो स्टेट के गवर्नर की सलाह पर प्रेसिडेंट स्टेट में इमरजेंसी लगा सकता है। तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 360 में उल्लेखित है। यह तब लगता है जब भारत के राष्ट्रपति को ये लगे कि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय स्थिरता आ गई है, तब वे फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल अमेट्योर इंडियन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।